सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। मेफेजिस्ट किट अगर आपने यूज की है तो आपके पीरियड्स दोबारा कितने टाइम बाद आएंगे, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के ये वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये मेफेजिस्ट किट है, इसके अंदर आपको 5 टैबलेट देखने को मिल रही हैं। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन होती हैं और बाकी की 4 जो टैबलेट पेंडिंग हैं ये मिसोप्रोस्टोल टैबलेट होती हैं। इस किट का यूज़ जब आप कर लोगे तो इस किट के यूज़ करने के बाद आपके पीरियड्स दोबारा कितने टाइम बाद शुरू हो जाती हैं, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि इस किट को खाने के बाद आपको जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइम हुई है और आपने इस किट का यूज़ कैसे किया है। देखिए, पहली टैबलेट जो मिफेप्रिस्टोन होती है, इस टैबलेट को लेने पर जो गर्भपात के साइनो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं शुरू होने के, वो सामान्यतः मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को लेने पर शुरू नहीं होते। मेरा कहने का मतलब है, ना ही आपको पेट में दर्द महसूस होता है, ना ही ब्लीडिंग होता है, ना ही मितली आती है, ना ही उल्टी आती है। वो सभी लक्षण जो गर्भपात के शुरू होने पर महसूस होते हैं, जो होते हैं, वो अक्सर मिफेप्रिस्टोन टैबलेट को खाने के बाद शुरू नहीं होते। ओके, जो टैबलेट पेंडिंग पड़ी हैं 4 टैबलेट जो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट हैं, 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट, जब आप इन टैबलेट्स को लेते हो तो आपको आपका गर्भपात का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद आपको अबॉर्शन के जो साइनो सिम्टम्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, मितली आना, उल्टी आना, हेडेक होना, चक्कर आना, कमर में दर्द होना, कई बारी दस्त भी लग जाते हैं, तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं गर्भपात के, ये आपको शुरू हो जाते हैं 30 से 4 घंटे के बीच में। अगर आपको गर्भपात में होने वाली ब्लीडिंग 1 से 10 दिन के बीच में हो रही है और 24 घंटे में ज़्यादा होकर ये 10 दिन में होकर बंद हो जाती है, तो माना जाता है कि आपका गर्भपात अच्छे से हुआ है। और अगर आपका गर्भपात अच्छे से होता है तो आपके जो नॉर्मल पीरियड साइकिल हैं वो इस किट को लेने के 4 हफ्तों से 6 हफ्ते के बीच में आपको आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि जिस महिला ने गर्भपात किया है उसका जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल हो, मतलब जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन फीमेल्स को आता है, तो उनके पीरियड्स को कहना कि वो कितने टाइम में आएंगे ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सामान्यतः इस किट को यूज़ करने पर, मेफेजिस्ट किट को यूज़ करने पर, आपके जो पीरियड्स हैं वो 4 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में आ जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर पहली बारी इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।